एक बार की बात, एक व्यक्ति बहुत पाप करता था, बहुत पाप, उसका काम यही है। एक व्यक्ति बड़े पाप करे, धर्म का कोई भी कार्य ना करे, केवल पाप ही पाप, पाप में ही संलग्न था। एक बार की बात, एक महात्मा उस गांव से गुजरे। गांव वालों ने, परिवार वालों ने महात्माओं के चरणों में गिरकर विनती की, महात्मा की, महाराज इसको ले जाओ, ये दिन भर पाप करता है, कुछ नहीं करता, केवल पाप, इसी कार्य में संलग्न है, आज तक इसने पुण्य का कोई काम नहीं किया, इसको ले जाओ आप अपने साथ। महात्मा बोले ठीक है। वो भी बोला कि सुनो महाराज, चलूंगा मैं, लेकिन एक शर्त है। क्या? कहा हमसे भजन की मत कहना, कि भजन करो। कहे से भजन, ये नाम सुनते ही हमारा तो सिर दर्द करने लगता है। अरे राम राम राम। महात्मा बोले नहीं कहेंगे और कुछ नहीं, और कुछ सब। गया महात्मा ही उसको संग ले गए। अब वो खूब उसी आश्रम में रहता, महात्मा के साथ रहने पर भी उसने अपना जो रंग है या अपना जो कार्य करता था पाप का, वह छोड़ा नहीं। खलव करई भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंग। उसने अपना वह स्वभाव नहीं छोड़ा। एक दिन की बात, महात्मा जब जाने लगे, उनका अंतिम समय आ गया, सब शिष्य रो रहे थे, वो भी आया। महात्मा ने उसको पास बुलाया और कहा सुनो, जीवन भर हमने कुछ नहीं कहा कि तुम ये कर लो, आज पहली बार हम तुमसे कह रहे हैं, ज्यादा नहीं मेरे कहने से, अंतिम समय तो है ही, एक मेरी ये इच्छा छोटी सी पूरी कर दो कि मेरे कहने से तुम एक बार भगवान का नाम ले लो। इसने भी सोचा कि महात्मा मर तो रही है, कम से कम उनकी इच्छा तो पूरी कर दी जाए। बोला हाँ महाराज बिल्कुल, बताओ क्या लेना है। महात्मा ने कहा तुम एक बार ही कह दो, बोलो राम। वो बोला राम। महात्मा बोले बन गया काम, अब और कुछ नहीं, बस एक बात और हमारी मान लेना, एक छोटी सी सीख। अगर कोई तुमसे पूछे कि तुमको इस नाम के बदले में, जो तुमने नाम लिया है इसके बदले में क्या चाहिए, तो तुम यही कह देना कि हमको तो इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, जो इसका फल होता हो वही हमको दे दो। ठीक है, महात्मा तो चले गए, फिर भी उसने अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ी, वही पाप के कार्य में संलग्न। जब उसका भी अंतिम समय आया, यमराज ले गए ऊपर, चित्रगुप्त ने कहा महाराज इसने तो कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ एक बार एक महात्मा के कहने से, वो भी जबरदस्ती बिना मन के लिया है। यमराज बोले इसको नरक में तो जाना ही है, इससे पहले पूछ लो कि इसको ये नाम जो लिया है उसके बदले में क्या चाहिए। वो बोला कि हमको,
यमराज ने पूछा, बताओ भाई इस नाम के बदले में क्या? तो बोला, हमको तो इस नाम के बदले में कुछ नहीं चाहिए। महात्मा की बात ध्यान कर कर बोला कि जो इस नाम का फल होता हो वही हमको प्रदान कर दो, वही दे दो। तो जमराज परेशान हो गए, क्योंकि उनके यमलोक में हर एक चीज का हिसाब, लेकिन इस चीज का तो हिसाब ही नहीं कि एक बार नाम लेने का क्या था। सोचा क्या करें, कुछ धर्मराज जो कि धर्म के देवता हैं उनसे पूछा जाए। उनके पास गए, धर्मराज ने यही कहा कि पता तो हमको भी नहीं, किससे पूछा जाए। कहा कि ब्रह्मा जी वेदों का गायन करते रहते हैं और ब्रह्मा जी के वेद भी इन्हीं नाम का जाप करते रहते हैं, तो आप ब्रह्मा जी से ही पूछते हैं। ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है, ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है, ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है, ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, लाखों का बेड़ा पार किया पहुँचाया प्रभु के धाम, लाखों का बेड़ा पार किया पहुँचाया प्रभु के धाम, लाखों का बेड़ा पार किया पहुँचाया प्रभु के धाम, लाखों का बेड़ा पार किया पहुँचाया प्रभु के धाम, हरे रामा हरे रामा हरे रामा रामा राम सीता राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम काली की सेवा करते हुए। गणपति जी को पल में यह नाम बनाया, प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में, यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में, यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में, मिल गया यही अवलंब नाम शबरी को जंगल, मिल गया यही अवलंब नाम शबरी को जंगल में, लाखों का बेड़ा पार किया पहुँचाया प्रभु के धाम,
पापों का बेड़ा पार किया, पहुंचाया प्रभु के धाम। लाखों का बेड़ा पार किया, पहुंचाया प्रभु के धाम। लाखों का बेड़ा पार किया, पहुंचाया प्रभु के धाम। हरे राम फल पता नहीं है तो क्या करें। तो कहा कि ब्रह्मा जी के तो चारों वेद नित्य इस नाम का गायन करते ही रहते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि मुनि। जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि मुनि। जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि मुनि। धीर मुनि धीर मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। कहने तीन गम पुराण आगम
राग ही। मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जे जावही। मुनि धीर मतलब मुनि धीर जोगी से मुनि धीर मुनि धीर मुनि मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जी जापहि। मुनि धीर हा मुनि धीर हा मुनि धीर मुनि। अरे कहने ति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। वेद नेति नेति कहकर जिनका वर्णन नहीं हने नेति नेति कहकर ऐसे नहीं ऐसे नहीं जिनका वर्णन करते हैं। तदै जति तन्नै जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्यात्य वाहिका। ऐसे ब्रह्मा जी के पास अगर जाएंगे हो सकता है कि अर्थ पता चले या यह पता चले कि इस एक बार नाम लेने का अर्थ क्या है। गए ब्रह्मा जी से पूछा, महाराज ये जो हमारे साथ ही आया है बड़ा पापी है, इसने जिंदगी भर पाप ही पाप किए हैं, बस एक बार एक संत के कहने से जबरदस्ती बिना मन के भगवान का नाम लिया है, आप बताओ उसका क्या फल है। ब्रह्मा जी बोले कि देखो ये वेद नेति नेति कहकर वर्णन करते तो हैं, सही बात है, लेकिन सही बताएं तो फल तो हमें भी पता नहीं, एक बार नाम लेने का क्या फल है। अब चिंता में सभी लोग, तो किसके पास इस समस्या का समाधान हो। सोचा भगवान शिव तुम पुनि राम राम दिन राती। 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 सादर जप भुवन अंग राती। सादर जप हूँ अनंग राती। तुम पुनि राम राम दिन राती। तुम पुनि राम राम दिन राती। भगवान शिव दिन भर राम 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 जपते रहते हैं। अवश्य भगवान शिव को पता होगा कि एक बार नाम लेने का फल क्या। गए भगवान शिव के पास, तो भगवान शिव के पास जाकर चरणों में प्रणाम किया और बात बताई, महाराज ये बड़ा ही पापी व्यक्ति है, इसने जिंदगी भर पाप ही पाप किए हैं, बस एक बार जबरदस्ती बिना मन के एक संत के कहने से भगवान का नाम एक बार लिया है, तो आप यह बताओ कि एक बार नाम लेने का क्या फल है। शंकर जी बोले सही बताएं तो नाम तो हम लेते रहते हैं, दिन रात लेते रहते हैं, लेकिन सही बताएं तो फल हमको भी पता नहीं क्या फल है। अब तो सोचा क्या किया जाए। सभी लोग यमराज धर्मराज ब्रह्मा जी शंकर जी चित्रगुप्त और वह व्यक्ति सोचने लगे क्या करें। तब सोचा कि एक काम करो भाई, ये जिनका नाम है उन्हीं से पूछो।
भगवान विष्णु के पास गए, बात बताई, प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज ये बड़ा ही पापी व्यक्ति है, इसने जिंदगी भर पाप ही पाप किए हैं, आज तक कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, बस एक बार एक संत के कहने से जबरदस्ती बिना मन के आपका नाम एक बार लिया है, नहीं तो हम यह निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि उस एक बार नाम लेने के बदले में ऐसे क्या दें। तो महाराज जी एक बार नाम लेने का फल क्या? भगवान ने यही कहा कि सुनिए, नाम तो हमारा है लेकिन फल हमको भी पता नहीं। अब क्या हो? लेकिन भगवान ने कहा, सुनो, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावनिज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल बड़ा ही अनूप है, इसने मेरे दर्शन कर लिए हैं, तो अब जो भी हो लेकिन ये नरक में नहीं जाएगा, इसको यहीं तुम वैकुंठ में छोड़ दो। एक बार नाम लेने से उस व्यक्ति का भी उद्धार हो गया।